चैनल क्रिएटिव डिजाइन। आज हम बनाएंगे एक डिजाइनर सलवार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सलवार की कटिंग से पहले इसकी मेजरमेंट के बारे में मैं आप कुछ बातें बताने जा रही हूँ। आपने जितने भी सलवार तैयार करनी है उसमें से 4.5 इंच आपने लेस कर देनी है। जैसे मैंने 36 इंच सलवार तैयार करनी है तो मैं इसमें से 4.5 इंच लेस कर दूंगी। 31.5 इंच जो आ रहा है उतने की मैं बड़ी कलियाँ, अब जिसे कुंदे भी बोलते हैं, उनकी कटिंग करूंगी। 8 इंच की हम बेल्ट की कटिंग करेंगे जिसमें से 5.5 इंच जो हमारी बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। 30.5 के कुंदे जो है आपके रेडी हो जाएंगे। आपने कोई भी मार्जिन इसमें और ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ 4.5 इंच जो है वो लेस करना है और बाकी जो बचेगा उतने की कटिंग करनी है। 31.5 की कटिंग करेंगे तो 30.5 के कुंदे जो तैयार हो जाएंगे एंड 5.5 की जो बेल्ट तैयार हो जाएगी, तो टोटल आपकी 36 इंच की सलवार जो है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं पेपर पर सलवार की कटिंग थोड़ी सी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कटिंग करनी थोड़ी आसान हो जाए। तो इस शेप में मैंने पेपर लिया है, इसी शेप में कपड़ा होता है। सपोज ये 3 मीटर कपड़ा है, मैं आपको इस पर कटिंग थोड़ी समझा देती हूँ। इस साइड से हम छोटी कलियाँ सबसे पहले निकाल लेंगे। 11.5 इंच की कलियाँ हम चौड़ाई जो होगी वो निकालेंगे और लेंथ जो है वो सारी की सारी रहने देंगे। ये वाली जो है 11.5 की चौड़ाई है, हम इसे अलग कर लेंगे। सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे और कटिंग करेंगे। जी आपकी दो छोटी कलियाँ तैयार हैं, उनकी हमने कटिंग कर ली है। बाकी पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आपने इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। इस साइड से यहाँ से हम लेंथ रखेंगे, 31.5 की लेंथ जो हम रखेंगे इस तरीके से। 2.5 यहाँ से रखेंगे, दूसरी साइड से हम यहाँ से आसन रखेंगे। मैं 8.5 ले रही हूँ आसन, आपको जितना चाहिए आप उतना लेंगे। इन्हें हम मिला देंगे। यहाँ से 2.5 पर आपने निशान लगाना है और वहीं से कटिंग करनी है। ये दो कुंदे जो हमने पकड़े हैं वो हम टर्न करके दूसरे बाकी के दो कुंदों के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से बाकी कपड़े जो है वेस्ट कपड़ा है वो निकाल देंगे। सारे कुंदे या फिर बड़ी गलियाँ उन्हें हम एक साथ रखने के बाद यहाँ से आसन की निशान लगाने के बाद वेस्ट कपड़ा जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने बड़ी कलियों की कटिंग कर ली है, 4 बड़ी कलियाँ हैं। अब हम 2 कलियाँ लेंगे और उसके इस साइड पर 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होगी। दूसरी के साथ भी इसी तरीके से करना है हमने। और ये हमने जो छोटी कलियों की कटिंग की थी नॉर्मल सलवार पर, ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन ये बड़ी हैं क्योंकि हमने इन पर डिज़ाइनिंग करनी है। जब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे तब ये छोटा होता जाएगा कपड़ा, और प्लीट्स डालने के बाद आपने इसे इसी के बराबर बड़ी कलियों के बराबर ही करना है। बाकी के बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट निकालेंगे। 8 इंच की आपने बेल्ट की कटिंग करनी है, इस साइड से 8 इंच रखना है और इस साइड से आपने जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए, जितनी आपकी हिप है आप उससे 4 इंच ज़्यादा कपड़े की कटिंग करेंगे। अगर 18 इंच की हिप है तो आप 22 की कटिंग करेंगे, तो आप 22 इस साइड से रखेंगे और 8 इंच इस साइड से रखेंगे जितनी भी आपको चाहिए, और यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को जोड़ लेंगे। अगर आप 3 मीटर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसे इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, ये कपड़ा ज़्यादा है इसीलिए। बाकी का कपड़ा मैंने साइड पर रहने दिया है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। कटिंग कर देंगे।
तरीके से निशान लगा रही हूँ। इस साइड से 1/2। अब हम इस कपड़े की दूसरी साइड पर जाएंगे। हाफ इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम अपना आसन रखेंगे। हर एक का आसन अपने अकॉर्डिंग रखा जाता है। इस निशान को दूसरे निशान को मैच करेंगे। इस साइड पर भी हम 2.5 पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। हमेशा 8 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे। इस साइड से मैं 20.5 इंच रख रही हूँ। ऐसे हम कटिंग कर देंगे। तो हमने सारी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम जब ये स्टिचिंग करते हैं, बेल्ट की स्टिचिंग से स्टार्ट करते हैं। इस साइड से हम यहाँ से इस तरीके से कपड़े को एक कॉर्नर से फोल्ड करेंगे एंड 1/2 इंच पर इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। छोटी पल्लियों की डिजाइनिंग के लिए डबल रखी है, वो इसीलिए ताकि हम इन पर डिजाइनिंग कर सके। इस तरीके से कपड़े को लेंगे, प्लीट्स लगाएंगे, सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे। इसे ओपन करके इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच कपड़ा ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम आसन पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
सारे प्लीट्स बराबर की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने डिजाइनिंग कर ली है अपनी छोटी कलियों पर। सेंटर पर हम सबसे पहले सिलाई के साथ इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पर सिलाई लगा दी है और वैसे प्लीट्स डाल दिए। अब हम छोटी कलियों को बड़ी कलियों के साथ अटैच करेंगे। साइड पर हम इसे अटैच करेंगे। छोटी कलियों की एक साइड पर हम बड़ी कली को अटैच करने के बाद उसकी दूसरी साइड पर भी बड़ी कली को अटैच करेंगे। हमने चार बड़ी कलियों की कटिंग की थी, तो इसकी छोटी कलियों की दोनों साइड पर हम एक एक कली को अटैच करेंगे। बड़ी कली की एक साइड के ऊपर मैंने छोटी कली की ये साइड रखी है, इसके ऊपर हम इस साइड पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सेंटर पर इस तरीके से प्लेट डालेंगे एंड दूसरी इस साइड पर इस तरीके से। बेल्ट की दोनों साइड जो हमने सिलाई लगाई है एक साथ पकड़कर दूसरी साइड पर सेंटर पर हम छोटे से कट लगा देंगे। आसन को हम बेल्ट की पिछली साइड के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए इस कट को सलवार की छोटी कलियों के सेंटर पर मिला देंगे। कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिलाई लगाने के साथ समझाऊंगी। इस सलवार की दोनों साइड पर हम प्लेट्स डालेंगे। पटियाला सलवार पर सिर्फ आगे की ओर होती है, लेकिन इसकी पिछली साइड पर भी प्लेट्स डालेंगे। थोड़ी मोटी प्लीट्स डाल दिए। हम साथ ही साथ बेल्ट को अटैच करते जाएंगे। जो हमने बेल्ट पर कट लगाया था वो इस सेंटर से मैच करना चाहिए। अब सेंटर के बाद मैं इस तरीके से दूसरी साइड की ओर एक प्लीट डालूंगी।
साइड में फिर से वही प्रोसेस रिपीट करूंगी। हमारे आसन को बेल्ट की फ्रंट साइड के साथ अटैच करूंगी यहाँ तक, और इस सीम को कवर करते हुए प्लीट्स डालना स्टार्ट करूंगी। तो हमने इस तरीके से बेल्ट को अच्छे से अपनी सलवार के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पर हमने प्लीट्स डाली है, आप देख सकते हैं ये वाले प्लीट्स जो हैं इस तरफ हैं और ये वाले इस तरफ। आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बेल्ट के ये वाले सेंटर्स जो हैं उन्हें हमने छोटी कलियों के सेंटर के साथ अटैच करना है। ये व्यू प्लीट्स हैं इस तरफ हैं, दूसरी साइड पर भी सेम उसी तरीके से हमने प्लेट्स डाल दी। तो हमने बुकरम को कपड़े में कवर कर दिया है, हाफ इंच यहाँ से हमने छोड़ा है। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है जो हम सलवार के कपड़े के साथ अटैच करेंगे। ये आप दूसरी साइड देख सकते हैं, हाफ इंच पर हमने एक स्लाइड लगा दी है। स्लाइड लगाने के बाद में इस तरीके से इसे करेंगे और यहाँ पर एक स्लाइड लगाएंगे, उसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्लाइड लगाएंगे। इस तरीके से हमने स्लाइड लगा ली है। अब हम सेंटर पर कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग कर ली। जितना भी आपको पहुंचा चाहिए उतना आप रख लें, मैं 6.5 रख रही हूँ, उसे 2 पॉइंट ज़्यादा ही रख रही हूँ। सलवार रेडी है। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग और आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।